ये देखिए, यहाँ हमने लिए हैं 1 कप रतलामी सेब। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। इसमें कई फ्लेवर आते हैं। हींग का आता है, लौंग, काली मिर्च है, अनियन एंड गार्लिक का भी आता है, और इसमें साइज़ भी कई आते हैं। यहाँ हमने ये वाला लिया है और लौंग वाला सेब हमने लिया है। आपको जो मिल जाए आप वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे हमने इस तरह से बारीक काट लिया है। यहाँ हमने लिया है 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, 4 से 5 कड़ी पत्ता, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, 2 लौंग हमने लिए हैं। हम यहाँ मिर्च का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये सेब भी काफ़ी तीखे होते हैं। और यहाँ हमने लिए है 2 पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी, 1 छोटा चम्मच। यहाँ हमने लिया है धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच से भी कम दालचीनी पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह दालचीनी की एक स्टिक भी ले सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच यहाँ हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ हमने लिया है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, सॉरी 1 छोटा चम्मच नमक यहाँ हमने लिया है। हम नमक का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि जो सेब है उसमें भी नमक होता है। ये देखिए, यहाँ लिया है हमने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसे हमने गर्म होने दिया है। गैस को भी हमने मीडियम रखा है, और ये तेल गर्म हो गया है, गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और इसमें ये हींग हम डाल देते हैं, जीरा, राई, करी पत्ता भी डाल देते हैं, ये लौंग भी इसमें डाल देते हैं, और ये हरी मिर्च, थोड़ा सा ये भुन गया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये हल्दी, और अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर, मिक्स कर लेंगे। और हम इसी में नमक डाल देते हैं ताकि हमारे टमाटर भी गल जाएंगे। और अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 2-3 मिनट बाद हम चेक करेंगे, तब तक हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। अब हम टमाटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर गलने लगा है। इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे। और अब हम इसमें ये मसाले मिला देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं, इससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये किचन किंग मसाला। अब हम बाकी के सभी मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर है, दालचीनी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये गरम मसाला, ये सब इसमें हम डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि इसे यदि आप गुजराती स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो आप इसी वक्त इस ग्रेवी में आधा छोटा चम्मच, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 छोटा चम्मच चीनी डाल सकते हैं या गुड़ भी डाल सकते हैं, जिन लोगों को खट्टा मीठा पसंद है ये वाली सब्ज़ी। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सभी मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तेल भी इससे अलग हो गया है। और अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। यहाँ हम इसमें अभी 1 कप पानी मिला रहे हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं इसमें। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे ढक देते हैं और गैस को अभी हम मीडियम कर देंगे। मीडियम गैस पर हम इसे बॉयल होने देंगे 3 से 4 मिनट तक। ये देखिए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से बॉयल हो गया है। ये देखिए, इसकी ग्रेवी भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। और अब हम इसमें
सबसे लास्ट में डाल देते हैं ये सेब। ये देखिए इसमें डाल देते हैं हम, ये मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं अभी। ये देखिए हमारी सेब टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी इसमें सेब डाल दिए हैं, लेकिन आप इसे जब खाएं तभी इसमें सेब डालें, वरना ये सेब इसमें थोड़ी देर के लिए ही वैसा रहता है, थोड़ा सा क्रिस्पी, वरना थोड़ी देर में ही लूज़ हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सेब क्रिस्पी रहे तो आप इसे ग्रेवी को गर्म कर लीजिए और खाते वक्त उसमें ये सेब डाल दीजिए। और अब हम इसे सर्व करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए हमारी रतलामी सेब टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी और एकदम से परफेक्ट। इसे हमने ढाबा स्टाइल बनाया है और रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही बनती है। ये खाने बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप पूरी के साथ में, पराठे के साथ में खा सकते हैं। यदि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी।